नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। सिवान विधानसभा से रालोसपा बसपा गठबंधन से अब्दुल रिजवान अंसारी ने नामांकन किया। प्रेस वार्ता कर उन्होंने सिवान की जनता से क्षेत्र के विकास के लिए उन्हें जिताने का अपील किया। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से आपको और तमाम सिवान विधानसभा की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ। आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने यहाँ आया। सब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया गया है कि आज मेरा नॉमिनेशन था बिहार का सबसे बड़ा गठबंधन, तीसरा गठबंधन जो हुआ है ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट के नाम से, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा जी उसके संयोजक हैं, देवेंद्र यादव जी उसके संयोजक हैं, हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी राष्ट्रीय नेता जो हम पर विश्वास करके इस गठबंधन में, बहन मायावती जी बीएसपी का गठबंधन है, ओवैसी साहब की पार्टी एआई मीम का गठबंधन है, ऐसे ही ओम प्रकाश राजभर जी हैं, शरद यादव जी हैं और अशोक चौहान जी हैं। ये तमाम नेताओं ने हम पर विश्वास करके सिवान विधानसभा से इस गठबंधन का उम्मीदवार बनाया है। मैं अपनी उपस्थिति और आज नॉमिनेशन कराया, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे क्षेत्र की जनता मुझे इस विधानसभा में भेजेगी। क्या मुद्दा लेकर जाइएगा क्षेत्र में? देखिए, मुद्दा तो बहुत है। मुद्दा इसलिए बहुत है कि आज तक हमको लग रहा है कि 15 साल के राक्षस काल जो रहा है, 15 साल उभरे नहीं थे, बीच में कुछ सुधार हुआ और आज फिर वही स्थिति आ गया है। आज देख रहे हैं, रोज़ हत्याएं हो रही हैं। हम लोगों का मुद्दा है सिंचाई, पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुनवाई और कार्रवाई। और एक है उसमें कॉलेजियम सिस्टम, जैसे आईएएस आईपीएस का एग्ज़ाम होता है और फेस करके उसमें आदमी आईएएस आईपीएस बनता है, वैसे ही जज के मामले में, जैसे उसमें एग्ज़ाम न करा के एक जज का बेटा जज बन जाता है, वैसे नहीं। हम लोगों का मांग है कि उसमें भी एग्ज़ाम हो, टेस्ट हो, उसमें जो पास करे वही जज बने, यही हम लोगों का मुद्दा है। और सिवान में तो हमको लग रहा है कि आप लोग भी देख रहे हैं, समस्या ही समस्या है। रिजवान जी, आपने कहा कि 15 साल जिस पार्टी की बात कर रहे हैं, उस पार्टी में आपने भी समय बिताया। 15 साल वाली पार्टी में मैं तो नहीं रहा, लेकिन 2001 से 2006 से मैं जदयू के साथ था और बहुत ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन आज की स्थिति में आप देख रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से यह अब बिहार संभला नहीं जा रहा है, रोज़ हत्याएं हो रही हैं। इसलिए हमारे इस गठबंधन के नेता सब लोग मिलके उपेंद्र कुशवाहा जी को मुख्यमंत्री बनाने का सपना देखे हैं और उस सपने को हम लोग साकार करें। 105 विधानसभा क्षेत्र की जनता रिजवान अहमद को ही वोट देते हैं, इसलिए कि मैं इस क्षेत्र से 10 साल जनप्रतिनिधि रहा हूं और अपने क्षेत्र में आप जाके अपने भी, मैं सफाई दूं यह नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप अपने भी जाके वहां सर्वे कर सकते हैं। अपने क्षेत्र के लोगों के बीच मैं ईमानदारी से रहा हूँ, काम भी किया हूँ, रात दिन एक करके कोई अपने ऊपर उंगली और आरोप लगने नहीं दिया हूँ, हर वक्त जनता की सेवा किया हूँ। इस उम्मीद और विश्वास के साथ मैं अपने क्षेत्र के जनता से यह विश्वास करता हूँ कि मुझे विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। जिस नीतीश सरकार पे आप आरोप लगा रहे हैं, के साथ थे जिला परिषद, महागठबंधन में थे तो मिठाई थे, आप खटाई क्यों हो गए?
महागठबंधन में एनडीए के साथ हम लोग थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन आज के डेट में रोज हत्याएं हो रही हैं जो कि नीतीश जी से संभाला नहीं जा रहा है, इसलिए उनके नेतृत्व में अब विश्वास नहीं रहा। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं किनारा किसी अच्छे नेता के साथ रहना ही पड़ेगा। आप जीत कर जब जाइएगा विधानसभा में तो क्या प्रमुख कार्य सिवान के लिए क्या होगा आपका? पहली प्राथमिकता क्या होगा? देखिए यहाँ तो स्वास्थ्य विभाग में देख रहे हैं लोग आ रहे हैं, इतना ना करप्शन है, शिक्षा में भी वही हाल है, यह जितनी समस्याएं हैं सबको हम मैंने दूर करने का और प्रयास कर। वर्तमान सांसद ओम प्रकाश यादव जी थे, अभी तत्कालीन विधायक व्यासदेव जी प्रसाद जी है, अभी तत्कालीन मैंने वर्तमान विधायक थे, इन दोनों लोगों का टिकट काटा गया, इसे आप किस रूप में देखते हैं? क्यों बात है? देखिए ऊपरी नेतृत्व का सवाल है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं किसका टिकट कटा किसका नहीं कटा, लेकिन जिसका मिला उसका 10 साल का कार्यकाल क्या रहा है जनता से पूछिए, जनता बताएंगे। आप एक मजे हुए कार्यकर्ता की तरह, एक मजे हुए समाजसेवी की तरह आपने काम किया है, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप अगर वहाँ से चुनाव आप लड़ने ही जा रहे हैं तो आपकी वजह से किसी की जीत और हार हो सकती है? नहीं, ऐसा क्यों होगा, हम चुनाव जीतने के लिए आए हैं, हमारे वजह से दूसरा क्यों चुनाव जीतेगा, हम अपने चुनाव जीतने आए हैं और हमारे अपने जनता के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि हमको विधानसभा में जनता हमारी मिलेगी, क्योंकि ऐसा कुछ हमारे अपने काम के बल पे, काम यानी आपका मुख्य मुद्दा विकास है? जी मुख्य मुद्दा विकास है। विकास जी।